सो हेलो दोस्तों, तो हमें नरूटो के हिंदी डब को लेकर एक अपडेट मिली है। आज हम इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाले हैं और उस अपडेट को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो। अब बिना किसी देरी के आज आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एनिमे लवर चिट चैट, आज आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नारुतो फैंस लिटरली इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा फेड अप हो चुके हैं कि आखिर उसके आगे वाले सीजन्स कब आने वाले हैं, और इवन सभी यूट्यूबर्स भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि वो कौन सी न्यूज दें आगे फैंस को, क्योंकि उसके बारे में कोई अपडेट आ ही नहीं रही थी। पर अब फाइनली हमें एक नई अपडेट मिल चुकी है। तो मोहित सिन्हा सर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक स्टोरी लगाई थी जिसपे वो बोल रहे थे कि वो कुछ अमेजिंग बुक्स पढ़ना चाहते हैं, तो इसीलिए वो फैन से कुछ सजेशंस मांग रहे थे। और तभी वहाँ पे हमारे एक नारुतो फैन ने अच्छा मौका देकर उनसे एक क्वेश्चन पूछ ही लिया, जिसपे उस फैन ने ये लिखा था कि अरे भाई, पहले ये बता कि नारुतो के हिंदी डब कब आएंगे, कसम है तुझे भाई। जिसपे मोहित सिन्हा सर ने हंसते हुए उसे ये लिखा कि आफ्टर सीइंग दिस मैसेज काइंडली माई को वॉइस एक्टर्स ऑफ नारुतो हेल्प हिम, आप लोग ही बता दो, कसम दे दी इसने तो। और उन्होंने आगे बाकी वॉइस एक्टर्स को भी टैग कर दिया स्टोरी में। और केतन कावा सर ने अपने इंस्टाग्राम पे उस स्टोरी का रिप्लाई करके ये लिखा था कि डब तो काफी टाइम से होके चैनल को भेज दिया है, अब चैनल वालों को डीएम करने पड़ेंगे, सोनी ये को मैसेज करना पड़ेगा। तो गाइस, केतन कावा सर के रिप्लाई को देख कर यही लग रहा है कि इसकी डबिंग तो अब पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, इवन सीजन 8 की डबिंग भी कम्प्लीट हो गई है, और अब जो देर लगा रहा है वो सोनी यही कर रहा है, मतलब कि अब किसी भी टाइम नारुतो का हमें नया टीजर देखने को मिल सकता है। अब अगर सारी डबिंग कंप्लीट हो ही चुकी है तो इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो अप्रैल के एंड या मई के स्टार्टिंग में आ जाएगा। वैसे एक बात तो है कि सिर्फ केतन कावा सर ही हैं जिन्होंने हमें कोई अपडेट दी है नारुतो के हिंदी डब के बारे में, क्योंकि बाकी कोई वॉइस एक्टर भी कोई अपडेट नहीं दे रहा था हमें। तो इसलिए थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमें ये बात बताई कि उसकी डबिंग अब टोटली कम्प्लीट हो चुकी है। तो गाइज, अगर नारुतो की सारी डबिंग कम्प्लीट हो चुकी है तो अब हमें सोनी ये आगे के प्लान भी सुनने को मिल सकते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि नारुतो की हमें कुछ मूवीज भी हिंदी डब में देखने को मिलें, या फिर वो डायरेक्ट नारुतो शिपुदिन को डब करें, या फिर इस चीज के भी चांसेस हैं कि वो एक टोटली डिफरेंट एनिमे डब करें, क्योंकि काफी रूमर्स सुनने को आ रही थी कि वो माय हीरो एकेडमिया को डब कर रहे हैं। पर अभी तक इस चीज की कंफर्मेशन हमें नहीं मिल पाई, इसीलिए हम कुछ नहीं कह सकते, बट काफी चीजों के चांसेस हैं। अब हमें नहीं पता आगे सोनी ये क्या करने वाला है। वैसे आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं और नई वीडियो में कुछ और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय चैटर्स।